मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सोफी था, जो कि एक अजाइलम में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सोफी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी रात जागकर गुजारती थी और अजाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए उसे देखने के लिए बाहर जाती है। वो जब बालकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर सडन वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जॉइंट का हार्ड डस्टबिन को उठाकर उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जॉइंट बाहर आता है। सोफी उस जॉइंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था। उसे देख कर वो डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जॉइंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जॉइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जॉइंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जॉइंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जॉइंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस पर वो जॉइंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जॉइंट है। वो जॉइंट सोफी को एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सोफी समझ रही थी कि ये जॉइंट मुझे ही खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जॉइंट्स के हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसीलिए वो उस बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जॉइंट्स हैं, जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जॉइंट्स हैं और वो सारे जॉइंट्स कैनिबल हैं, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बूढ़े जॉइंट से पूछती है तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे, जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जॉइंट हूँ, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जॉइंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहम दिल जॉइंट है। वो उस बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जॉइंट्स को भी मार डालते, और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजारोगी, जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना वरना बाहर बैठे जॉइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा जॉइंट सोफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जॉइंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है, उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो उस जॉइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो जॉइंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स हैं, यानी ख्वाब, जिस पर वो कहती है अच्छा फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर ये जॉइंट वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। बूढ़ा जॉइंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा जॉइंट एक बॉटल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है। इतनी ही देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जॉइंट अभी सो रहा है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक काफी बड़ा जॉइंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जॉइंट की निस्बत काफी बड़ा जॉइंट था। सोफी उस जॉइंट को कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जॉइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वो उस बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने ये जो मुझे ड्रीम दिखाया है ये तो बहुत डरावना था, जिस पर वो जॉइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, इसी वजह से तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर ही रहो। बूढ़ा जॉइंट सोफी को समझाता है कि यहां पर जो जॉइंट्स हैं ना वो मुझसे साइज में काफी बड़े हैं और मैं तो उन जॉइंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूं क्योंकि मैं छोटा सा जॉइंट हूं और बूढ़ा भी हूं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा जॉइंट अंदर आ जाता है और वाकई ही ये उस बूढ़े जॉइंट की नस्बत काफी
काफी बड़ा था। वो जायंट आते ही बूढ़े जायंट से पूछता है कि बताओ तुम किससे बात कर रहे थे बोने। अब यहाँ पर सारे जायंट्स बूढ़े जायंट को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में सबसे ही छोटा था। बूढ़ा जायंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। इस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जायंट के पास आया था। अब क्योंकि वो जायंट कैनिबल था इसी वजह से उसे उस घर में से इंसान की खुशबू आती है इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो वो बूढ़ा जायंट खाता था और जब वो जायंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जायंट ने कभी भी ये सब्जी नहीं खाई थी लेकिन आज उसे इस वेजिटेबल में से अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी इसीलिए वो जायंट उसे खाने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि रुको तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते। जिस पर वो जायंट कहता है कि हाँ मैं ये बात कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ। इसीलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है। फिर उस बूढ़े जायंट को कहीं पर जाना था और सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उसे काफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर जो जायंट सो रहे थे अगर वो जा गए उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जायंट्स गहरी नींद सो रहे हैं इसीलिए ये दोनों उनके बीच से ही गुजरना चाहते थे लेकिन इतनी ही देर में उन सारे जायंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जायंट को परेशान करने लग जाते हैं कि बोने तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। जिस पर वो जायंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकल कर बाहर जाओ, इंसानों की दुनिया में जाओ क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे जायंट्स बूढ़े जायंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है लेकिन तभी बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो। सब देखते हैं कि आसमान पर बादल बने हैं और बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जायंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था और तभी वहां पर बारिश होने लगती है और वो सारे जायंट्स जाकर छुप जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों यानी बूढ़ा जायंट और सोफी वहां से चले जाते हैं। वो लोग माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं, चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं इवन दुनिया की हर चीज की आवाज ही सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ, इवन मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि दुनिया की हर आवाज को ही सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जायंट कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत ट्री था। बूढ़ा जायंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जायंट इन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स ही थे। इन ड्रीम्स को पकड़ कर फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बूढ़ा जायंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट्स मुझे बोना कहते हैं लेकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सके। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल का जायंट है जो ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स लाकर लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही ये उन लोगों की जिंदगियों में खुशियाँ तो ला सके। सोफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था। जिस पर वो जायंट यानी BFG कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है, यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जायंट्स भी बन गए थे लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं इसीलिए
वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर बीएफजी सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी कि तुम हो, और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जायंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता काफी देर हो चुकी थी, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है मेरे उस दोस्त के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी एक दोस्त ही हो ना। इसीलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहां रुकने पर और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जायंट इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब बीएफजी उसे अजाइला में छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब क्योंकि सोफी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी इसीलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बीएफजी उसे बचा लेंगे। और होता भी ऐसा है, बीएफजी उसे बचा लेता है, और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वो उसे जायंट्स की दुनिया में दोबारा से ले आता है, जहां पर बाकी जायंट्स पहले ही उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि सारे जायंट्स जान चुके थे कि बूढ़े जायंट के पास कोई इंसान है। इसीलिए सारे जायंट्स अब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहां पर है। इसीलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से बीएफजी के घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन बीएफजी उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उन सारे जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहां दीवार पर लगी एक पिक्चर को देखती है जो कि प्रिंसेस की पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो बीएफजी को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इसी दुनिया में, और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक है कि बच्चों को मारकर खा लेते हैं, और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान लें। ये सुनकर बीएफजी ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है, और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है, और साथ साथ वो सिटी की बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और ये प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं, और प्रिंसेस वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सिर्फ एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से, और ये सेम वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ, और पर्दे हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी हुई थी। असल में ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें बीएफजी को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें बीएफजी के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब बीएफजी प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज से उनके सामने झुक जाता है। तब प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पर जॉइंट्स की ना एक फनी बात भी थी कि वो किसी भी वर्ड को ठीक से नहीं बोलते थे, इसीलिए वो महारानी को मरजानी कहता था। बीएफजी इंसान को इंसान कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोलते थे। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसीलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है, जो कि बीएफजी की मदद से अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि बीएफजी एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में बीएफजी इन जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे, और बीएफजी ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन जैसे ही बीएफजी ड्रीम्स को उन जायंट्स में डालने के लिए जाता है, तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो मैं प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया हूँ, और उस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जायंट्स की नींद में चला जाता है जो अभी सो रहे थे। और जब वो जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसीलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती, और इसीलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीएफजी उस
उस जायंट के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि BFG बहुत छोटे थे इसीलिए वो जायंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो BFG को मारने लगता है प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे इसीलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे और इसीलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस उन जायंट्स के लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी फेंक देती है ताकि ये जायंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जी उगाएं और सारी जिंदगी ये वो सब्जी ही खाएं। अब क्योंकि उन जायंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़नी थी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रह कर ये सब्जी ही खानी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो बजाइला में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती है क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जो कि अब जायंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, जिन्होंने जायंट्स की दुनिया में उस सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है जिसे BFG सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।